Namaskar, mera naam Dr. Manohar Sir, Nirdeshak Biology at the Rate Filter Tips. आज मैं आप लोगों के लिए YouTube पे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा और कुछ बेसिक बातों को करूंगा जो आपके डेली स्टडीज में काम के लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बहुत सारा प्यार दें। खास करके मेरे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है और ये ऑर्डर भी है कि आप इस वीडियो से जितना भी फायदा ले सकते हैं लें, क्योंकि आपके डेली स्टडीज में ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक चैप्टर को लेने जा रहा हूँ। आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th के पोर्शन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर आपने नाम सुना होगा जिस चैप्टर को मैं पहली बार आज ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे आज सबसे पहली बार। और मैं पहले भी बताऊंगा, आगे भी बताने वाला हूं कि हर चैप्टर का नाम जो होता है उस चैप्टर की पूरी कहानी बता देता है। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके नाम को जरूर देखें, क्यों ये नाम रखा गया, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या कारण है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आइदर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कुछ इस तरीके से नाम दिया जाता है, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र इसको हिंदी में हम बोलते हैं। सबसे पहले बात करें कि इसमें ये सिस्टम वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है। आपने बहुत बार सिस्टम वर्ड को सुना होगा। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं सिस्टम क्या है। कई बार आप कॉमनली लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि सिस्टम में काम करो या सिस्टम में काम करने से फायदा होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये सिस्टम क्या है। सिस्टम को कुछ इस तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो कुछ ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच ऑर्गेनाइज टू तो अगर ऐसे ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो ये एक सिस्टम बनाएगा और तब हम उसको सिस्टम नाम देंगे। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन।
कोई एक निश्चित कार्य होना जरूरी है, जब तक अगस्सा नहीं होगा तब तक हम उसे सिस्टम नाम नहीं देंगे। अब बात आती है कि सिस्टम को तो हमने समझ लिया, अब ये फंक्शन क्या है? फिर फंक्शन हमें यहाँ से मिलने वाला है, ये वर्ड है एक्सक्रीटरी, जो कि ओरिजिनेट हुआ है वर्ड से, और ये वर्ड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि हमारे बॉडी से कोई भी वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसको मैं फिर से एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि जैसे मैं कुछ वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से निकालने की बात कर रहा हूं, जैसे टियर है, सलाइवा है, फीकल मैटर, इसके बाद मैं ले रहा हूं यूरिन एंड स्वेटिंग। अब बात करते हैं कि पांच जो पांचों को जो वेस्ट मटेरियल है, क्या ये सारे वेस्ट मटेरियल का निकलना एक्सक्रीशन कहलाएगा? तो नहीं, ये सारे वेस्ट मटेरियल निकल तो रहे, लेकिन इनका निकलना एक्सक्रीशन नहीं कहलाएगा। टीयर का निकलना एक्सक्रीशन नहीं होगा, सलाइवा का निकलना एक्सक्रीशन नहीं होगा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सलाइवा सर वेस्ट मटेरियल नहीं है, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। फीकल मैटर, इसका निकलना एक्सक्रीशन नहीं है, तो इसमें बचा तो यूरिन एंड स्वेटिंग। इसको मैं एक्सक्रीशन की कैटेगरी में रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? तो अगर मैं एक्सक्रीशन को फिर से डिफाइन करूं तो एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट is called excretion। Nitrogenous waste यानी हमारी बॉडी से ऐसे मटेरियल का निकलना जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड हो और वो वेस्ट मटेरियल हो, तो उसके निकलने को हम excretion बोलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में चलने वाला एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसको हम नाम दे रहे हैं मेटाबॉलिज्म। आपने बायोलॉजी के स्टार्टिंग में ही आपने सुना होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो मेटाबॉलिज्म है, एंड मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ सेल। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म को अगर हम बात करें मिला के, तो ये कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इस दोनों को मिला के हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है किसी भी चीज का टूटना, और एनाबॉलिज्म का मतलब है किसी भी चीज का बनना। आते हैं हम अपने लिविंग होने के लिए, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और हम इस एनर्जी के लिए बहुत सारे कंपाउंड्स का इंटेक करते हैं। हमारे फूड का सबसे मेजर सोर्स है, आपने नाम सुना हुआ होगा, ये मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का नाम आपने सुन रखा है। इस कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपल फॉर्म है इसका नाम है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब टूटता है तो हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और बॉडी में किसी भी काम को करने के लिए इस एटीपी का होना जरूरी है, इसलिए हम एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। अब इस एटीपी, हमारे बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, क्या एटीपी के फॉर्मेशन हो जाने से क्या किसी काम का होना हो जाएगा? तो नहीं, सिर्फ एटीपी के होने से काम नहीं होगा जब तक ये खर्च नहीं होगा। कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपके जेब में 100 रुपए हैं,
और सारे दुकान बंद हैं और आपको खाना चाहिए, क्या बिना दुकान के आप 100 रुपए में खाना खा सकते हैं? क्या आप एटीपी यानी एनर्जी की करेंसी को खर्च किए बगैर कोई भी काम कर सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। वैसे ही हमारी बॉडी में इस एटीपी को खर्च करना होता है और एटीपी जब खर्च होगा तो ये बदल जाएगा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में और इसके लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। जब ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पूरी इस प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी में एक कंपाउंड बनने वाला है जिस कंपाउंड का नाम है NH3 यानी कि अमोनिया। ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे नाइट्रोजन नजर आने वाला है और अभी मैंने कहा कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आया? मेटाबॉलिज्म के दौरान आया, बना क्या? अमोनिया। अब ये अमोनिया को निकालने का जो प्रोसेस होगा इसी को हम नाम देंगे एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं क्या इस अमोनिया को निकालना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। अगर हमारी बॉडी में अमोनिया एक्युमुलेट हो गया दैट मे कॉज डेथ। ये फिटर हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, खतरा है, तो हमें इस कंडीशन में अमोनिया को निकालना है। लेकिन ये अमोनिया को निकालना है, आपने अभी देखा कि इसको दो तरीके से हम अभी निकाल रहे थे यानी एक्सक्रीशन में दो चीजों को इंक्लूड किया है हमने, एक है यूरिन और दूसरा है स्वेटिंग। दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें जरूरत होगी वाटर की। अब आते हैं कि ये अमोनिया, सपोज दैट हमारी बॉडी में 10 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, 10 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है और हमें चाहिए इसको निकालने के लिए वाटर। अगर एक रफ अंदाजा लें तो सपोज दैट अगर 10 ग्राम अमोनिया है और अगर इसको हम निकालना चाहें वाटर की मदद से, मैं एक रफली डेटा देता हूँ तो ऑलमोस्ट मैं मान लेता हूँ कि हमें जरूरत पड़ेगी 10 लीटर वाटर की। इज दैट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन कि हम 10 लीटर वाटर इंटेक कर सकें एक दिन में? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे कंडीशन में हम अमोनिया को रिमूव नहीं कर पाएंगे और हाईली टॉक्सिक है तो इसमें ये जानलेवा हो सकता है, जान भी जा सकती है। ऐसे कंडीशन में जब ये अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो हमारे बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है ब्रेन, उसका एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आता है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी में अमोनिया फॉर्म हो चुका है, जो अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। अब हाइपोथैलेमस एक सिग्नल पास करता है हमारे ऑर्गन के पास, इस ऑर्गन का नाम है लिवर। जब ये अमोनिया लिवर के पास जाता है ब्लड के थ्रू, आपने पढ़ा होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, अगर नहीं पढ़ा है तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये अमोनिया लिवर के पास पहुंचता है और यहाँ पे एक साइकिल परफॉर्म होता है जिस साइकिल का नाम है और मीथेन साइकिल। और मीथेन साइकिल के माध्यम से ये अमोनिया लिवर में जाने के बाद हिपैटिक सेल्स की मदद से कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कंपाउंड में और ये कंपाउंड है यूरिया। यानी अब अगर बात करें तो हम मान रहे थे कि 10 ग्राम अमोनिया जिसको निकालने के लिए 10 लीटर वाटर की जरूरत थी, अब यही 10 ग्राम अमोनिया कन्वर्ट हो चुका है 10 ग्राम यूरिया में। अब अगर इसको निकालने के लिए हम बात करें तो 10 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए हमें एक रफली अंदाजा लेते हैं 4 से 5 लीटर वाटर की जरूरत होगी। इज दैट पॉसिबल? क्या हम 4 से 5 लीटर वाटर इंटेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 से 5 लीटर वाटर का अगर इंटेक करेंगे तो ये यूरिया पहुंचेगा अब वापस से, जब ये लिवर में कन्वर्ट हो गया यूरिया में तो वापस से ब्लड के माध्यम से पहुंचता है हमारे किडनी के पास।
और किडनी फिल्टर करके इसको बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी अभी जो हम बात कर रहे थे कि यूरिन का निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है, जी हाँ बिल्कुल, यूरिन का निकलना ही एक्सक्रीशन होगा। समहाउ स्वेटिंग भी होगा, लेकिन एक नेग्लिजिबल अमाउंट में एक्सक्रीशन की कैटेगरी में होगा। तो हमारा जो एक्सक्रीशन है उसमें मेनली जो प्रोसेस है दैट इज यूरिन। और ये सारा का सारा हुआ क्यों? तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जब एनएस3 का फॉर्मेशन हुआ तो और मीथेन साइकिल लीवर ने परफॉर्म किया और इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। वापस से ये यूरिया किडनी के पास पहुंचा एंड वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा एंड देन फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिन में। सो कुल मिला के प्रोसेस एक्सक्रीशन का अगर हम एक्सक्रीशन को डिफाइन करेंगे तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सिस्टम नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसमें से कुछ ऑर्गन्स का नाम अभी आपने देखा है, जैसे लिवर है, जैसे किडनी है, ऐसे ही हम और भी ऑर्गन्स देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरिथ्रा होगा, और साथ ही साथ किडनी के कॉन्टेंट्स लाइक नेफ्रॉन होगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे और सारे मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे एंड दैट इज एक्सक्रीशन। तो कुल मिला के अभी जो हमने बेसिक बातें की है उसमें बात हमने किया कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्दर इसमें बहुत सारी बातें हैं कि अमोनिया क्या सब में बनता है, क्या सब में यूरिया कन्वर्ट होता है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अभी के लिए सिंपल सी बात है वो ये है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाउ नाइट्रोजनस वेस्ट इज फॉर्म्ड, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो कुल मिलाकर हमने ये बात किया है। अब कमिंग लेक्चर्स में इससे आगे की बात हम लोग करेंगे और भी बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए यूट्यूब के माध्यम से, डॉक्टर नंग मनोहर बायोलॉजी @fingertips के नाम से ये चैनल होगा और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा मैं, और हो सकेगा आप अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिएगा। धन्यवाद।